साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों मेरा जो चैनल, इसको मेन मकसद बनाने का है, जब भी कोई भाई अगर विदेश में रोजगार से संबंधित जाता है, उसको सही गाइडलाइन, बिल्कुल सही तरीके से उनको गाइड किया जाए। और इसका फायदा आपको ये होता है, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आप ठगी का शिकार होने से बच सके। मेन मेरा साथियों टारगेट है ठगी का शिकार होने से बच सके, तो इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है उसको आप प्रेस कर लें, ताकि वो चैनल सब्सक्राइब होते ही, जैसे मैं हर रोज़ नए वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और एक साइड में बेल आइकन का जो बटन दिया गया है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके, और आप वीडियो को देख के आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी मिल सके, जिससे आप भविष्य में कभी भी ठगी का शिकार होने से बच सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों आज अपन एक नई कंट्री की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों के मैंने वीडियो बना रखे हैं, समय समय पर मैं वीडियो डालता भी रहता हूं, जो जितनी नॉलेज मेरे पास होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब उस नॉलेज को आप काम में लेते हो कि नहीं लेते हो आपके ऊपर मर्जी पे डिपेंड करेगा। साथियों आज अपन एक नई कंट्री की बात करेंगे, बेल्जियम, जो एक बहुत ही सुंदर देश है, एक छोटा सा कंट्री है जो कभी फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था। साथियों जी हाँ साथियों, ये बेल्जियम कभी फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी अलग है, अपना एक स्वतंत्र एक छोटा सा देश है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत देश है। साथियों यहाँ पे रहना खाना जीवन शैली बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इंडियन भी वहाँ पे बेल्जियम में हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उनका रहन सहन बड़ा अच्छा है, खाना पीना सब कुछ बहुत ही शानदार है वहाँ पे, और सैलरी पैकेज भी वहाँ पे साथियों अच्छा है, वहाँ पे डॉलर चलती है। जी हाँ साथियों, तो साथियों इसमें बात करूँ मैं, बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है साथियों कि विजिट वीज़ा में नंबर वन है ये कंट्री, यानी 90% विजिट वीज़ा ही बेल्जियम अप्रूव करवाता है, और लोग जाते हैं विजिट में, और विजिट में जाने के बाद वहाँ पे वर्क परमिट इनका लग जाता है, तो लोग वहाँ पे जॉब भी करते हैं, और जो घूमना चाहते हैं वो उनके लिए भी बेल्जियम बहुत ही बेस्ट कंट्री है साथियों। तो साथियों कंट्री, अगर आप बेल्जियम जाना चाहते हैं, तो अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जिस तरह से जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से मात्र बेल्जियम 5% वीज़ा रिजेक्ट करता है, यानी जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, बाकी बेल्जियम का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, चाहे वो विजिट हो या परमिट हो, वो अपने अपने स्तर पे एजेंटों से संपर्क, अगर आप जाना चाहते हो तो जो एजेंट जो जिस तरीके से काम करता है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें बात करूंगा, इसमें काम में मात्र एक सप्ताह में 30 घंटे आपको इसमें काम करना होता है, ठीक है साथियों। और इसमें मैं बता दूं जॉब इसमें क्या क्या होता है, एक तो इंजीनियरिंग लाइन में काम होता है, एक मेटल जो प्लास्टिक से संबंधित होता है प्रोजेक्ट उसमें होता है, मोटर व्हीकल में इनमें जॉब मिल जाता है, वहाँ पे इनका यहाँ पे ज़्यादा काम है, एक ट्रांसपोर्ट का काम है, टेक्सटाइल का काम यहाँ पे ज़्यादा होता है, ग्लास का काम यहाँ पे ज़्यादा होता है, और पेट्रोलियम। जी हाँ साथियों, ये जॉब वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं पे इनकी आय भी इन्हीं का स्रोत है बेल्जियम का। और साथियों वहाँ पे अगर अपन बात करें सैलरी की, तो साथियों बेल्जियम की औसतन सैलरी $47,000 प्रतिवर्ष पर कैंडिडेट आदमी कमाता है वहाँ पे, यानी एक आदमी एक साल में $47,000 कमाता है, ठीक है साथियों, अमेरिकन डॉलर। और अपन बात करें कि पर आवर्स वहाँ पे $10 पर कैंडिडेट को वहाँ पे फिक्स है, कि एक घंटे का $10 बंदे को दिया जाता है, जितने घंटे वो काम करता है उतनी उसको सैलरी मिल जाती है। और कंपनी की तरफ से एक साल में 20 डेज पर ईयर आपको हॉलीडे मिलता है, यानी एक साल में 20 छुट्टियां आपको मिलती हैं, पब्लिक हॉलीडे मात्र 10 मिलते हैं साथियों, एक साल में 10 पब्लिक हॉलीडे हैं। तो ये थी मेरे पास छोटी सी जानकारी, तो मैं आपके साथ शेयर कर दी, अगर कोई भाई बेल्जियम जाना चाहते हैं उनके लिए खास तौर से ये जानकारी थी, अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने एजेंट से संपर्क करें इन चीज़ों को, ये आपको बहुत ही एक अच्छी कंट्री है, स्कोप भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे जॉब आसानी से मिल सकते हैं, अगर घूमने के लिए जाना चाहो तो भी बेल्जियम बहुत शानदार कंट्री है साथियों। तो और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में डाल दीजिए, मैं कोशिश करके आंसर दूंगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ मैं नई कंट्री नए के सिस्टम से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, तो घर बैठे आपको जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।